गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही इजी सी रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर चने को उबाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट मेथड यूज कर रही हूँ जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बेकिंग सोडा और बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी मैं यहाँ डाल रही हूँ। अगर आप इंस्टेंट मेथड यूज नहीं करते हैं और आपके पास टाइम है तो आप 8 घंटे के लिए इसको भिगोकर नॉर्मल पानी में रख सकते हैं। अच्छे से सभी को मिक्स कर लें जिससे कि सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए और अब टाइटली इसको बंद कर 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं इस तरह से। 2 घंटे हो गए थे और मैंने चनों को उबाल लिया है 3 से 4 सीटियों में। अब करते हैं कुकिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और अब मैं डाल रही हूँ देसी घी, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च, अब यह डालते हैं पत्ता गोभी और अच्छे से इसको सॉटे कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, इसको भी सॉटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर और इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और अब यहाँ डालते हैं नमक, नमक सोया सॉस में भी होता है तो आप ध्यान से डालें और चने में भी डाला है मैंने। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको 1 मिनट के लिए सभी सब्जियों को कुक होने देते हैं। तो यहाँ पर ये कुक हो गई है और अब मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरे। ये ऑप्शनल है क्योंकि हमने टमाटर भी डाल दिए हैं पर मैं टेस्ट एनहेंस करने के लिए यहाँ पर इसको डाल रही हूँ। और अब मैं डालती हूँ सोया सॉस, टोमेटो सॉस और यहाँ मैंने इमली पुदीने की चटनी यूज की है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अगर आपके पास धनिया की चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर निकल कर आ रहा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पतले चाहिए थोड़े तो आप ज्यादा पानी डालें वरना कम ही डालें मेरी तरह। तो अब मैं यहाँ पर मटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने अपनी चॉइस से ऐड किए हैं, इसमें ऑप्शनल है। और अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देती हूँ। सो 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ उबले हुए आलू और उबले हुए चना। ये सबसे लास्ट में डालें वरना ये घुट जाएंगे। और अच्छे से बहुत आराम से इनको मिला दें इस तरह से। तो अब ये तैयार हो गए हैं तो अब कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। तो हियर इट इज गाइस, मेरा मंचूरियन चना मसाला तैयार है। बहुत ही इजी और फ्लेवरफुल रेसिपी है तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसी बनी। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।